में केंद्र सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ये संरक्षित अपराध चल रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि कल जिस तरीके से कानपुर में एक सीओ एसओ और हमारे 8 शहीद सिपाही जो है शहीद हो जाते हैं, विकास दुबे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उनके इशारों पर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडे के रूप में वो पुलिस के प्रशासन के ऊपर गोलियां की बौछार कर देता है और हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग यह मांग करते हैं कि जो शहीद पुलिसकर्मी है उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और उत्तर प्रदेश और देश से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने का काम किया जाए। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी बाबा जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार आप देखिए जब भी पेपर उठा करके देखिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज इलाहाबाद में भी अभी अभी तत्काल पता चला, प्रयागराज में जिस तरीके से होलागल नवाबगंज क्षेत्र में जिस तरीके से 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है, लगातार पूरे प्रदेश में संरक्षित अपराध चल रहा है। हम तमाम लोगों से उत्तर प्रदेश देश की सरकार को बर्खास्त करने का मांग करते हैं। हम नौजवान अब चुप रहने वाले नहीं है क्योंकि एक खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। तय करना है अब हमको हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।